सीबीएसई इकोनॉमिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ के ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स चैप्टर पर ही बात करने वाले हैं और आज है पांचवा दिन, क्योंकि यह हिस्ट्री का चैप्टर बड़ा लंबा है और एक दिन में चैप्टर ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज पांचवें दिन में हम जो डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म, क्योंकि यह हज़ार साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, 700 से लेकर के 1750 तक, लगभग हज़ार साल से ज़्यादा 1050 ईयर्स का हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें ढेर सारे पुराने धर्मों के साथ नए धर्म भी जुड़े, तो हमने केवल आज इस वाले टॉपिक को लिया है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स को लिया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हज़ार सालों में चेंज हुआ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहली चीज़, इन हज़ार सालों में 1050 ईयर्स में, मतलब 1050 साल, 700 से लेकर के 1750 तक जो बदलाव देखने को मिले वो रिलीजियस ट्रेडिशन में देखने को मिला। मतलब जो हज़ार साल पहले धर्म या रिलीजियस जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो अलग थी और 1715 में वो परंपराएं बदल गई। 700 में जो हिंदू धर्म की परंपरा थी और 1750 में जो हिंदू धर्म की परंपरा थी, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, क्योंकि आपको पता ही है कि समाज में डोमिनेंट जिसका होता है और वो उसी हिसाब से उसे चेंज कर देता है। तो केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियनिटी, मतलब जितने भी इंडिया में जो धर्म थे, रिलीजन्स थे, उन सब में जो उनकी परंपराएं थी, ट्रेडिशन थी, उसमें बदलाव देखने को मिला। तो उसमें से कुछ बदलावों की हम डिस्कशन इस वाले टॉपिक में करेंगे। पहली चीज़, जो यहाँ पर डिवाइन वर्ड लिखा हुआ, बिलीफ इन द डिवाइन वाज पर्सनल। डिवाइन का मतलब ईश्वर के बारे में जो सोच है, विचारधारा है, जो ईश्वरी सोच है, ईश्वरी परिकल्पना है, या जो गॉड के बारे में आप सोचते हैं, यह हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। आप ईश्वर के बारे में, सुप्रीम गॉड के बारे में आप अलग तरह की धारणा रखते हैं, दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो उसकी अलग धारणा होगी, मुझसे बात करेंगे तो मेरी अलग धारणा होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन हर व्यक्ति कहीं न कहीं कलेक्टिव प्रेयर से जुड़ा हुआ है। कलेक्टिव प्रेयर मतलब वो समुदाय से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, मतलब कलेक्टिवली जैसा ज़्यादातर लोग मानते हैं वैसा ही आप भी कुछ सोच रखते होंगे, या आपकी जैसी ईश्वर के बारे में सोच है, आप जैसी सोच रखने वाले दुनिया में आप ही नहीं, आप जैसे लाखों लोग हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तीसरा, कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी, मतलब सामूहिक रूप से ढेर सारे लोग जब ईश्वर के रूप में कोई ऐसी धारणा रखते, विश्वास रखते, तो वो एक कहीं न कहीं रिलीजन को जन्म देता है। मतलब एक बहुत बड़ा समुदाय, आप जैसी विचारधारा रखने वाले लाखों करोड़ों लोग एक ही जैसी सोच रखते हैं ईश्वर के बारे में, तो यही सारे लोग मिल करके एक रिलीजन का जन्म देते हैं, क्योंकि आपकी सोच अलग है तो रिलीजन बनता है।
और ये चीज कनेक्टेड विद द सोशल, ये सामाजिक रूप से कनेक्टेड है। ईश्वर के बारे में विचारधारा क्या है, सामाजिक रूप से ये कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा समाज से जुड़ी हुई है। आप समाज से अलग नहीं, आप समाज से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक रूप से तो जुड़े हुए ही हैं, आर्थिक रूप से जो एक संगठन है उससे भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, या आर्थिक संगठन से भी जुड़े हुए, धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के। अब हम आज का जो मेन टॉपिक उस पे हम डिस्कस करें, हिंदुइज्म मतलब हिंदूवाद, जो आज का हिंदूवाद है उसमें ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले। और उन हम परिवर्तनों की बात करें, चेंजेस की बात करें, क्या क्या बदलाव हुए। वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, इन 1000 सालों में नए नए देवी देवताओं को मानने का चलन शुरू हुआ, पूजा शुरू हो गई। हो सकता है कि जिस देवी देवता की पूजा आप 700 में या हमारे पूर्वज नहीं कर रहे थे, वो 1750 तक ऐसे ढेर सारे देवी देवता आ गए। इसलिए कहा जाता है हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं। कहने का मतलब ये है कि इन 1000 सालों में, 1050 ईयर्स में, ढेर सारे ऐसे देवी देवता थे जो हिंदू धर्म से जुड़े और लोग उनकी पूजा पाठ करने लगे। दूसरा चेंजेस क्या देखने को मिला, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता राजा, क्योंकि हम जैसी विचारधारा रखते हैं ईश्वर के बारे में, राजा भी किसी न किसी धर्म से प्रभावित होता है और किसी न किसी ईश्वर के बारे में अपना विश्वास रखता है या ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। अगर हिंदू राजा है तो उसने टेंपल बनवाए। तो यहाँ पे खास करके हम हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राजाओं ने, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाने शुरू कर दिए। तीसरा, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज। इस दौरान 700 से लेकर के 1750 तक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणाज, उनका जो इम्पोर्टेंस है बहुत तेज़ी से बढ़ा। ब्राह्मणाज ही नहीं, द प्रीस्ट, पुजारियों, जो मंदिर में जो पुजारी थे उनका भी डोमिनेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा, इम्पोर्टेंस बढ़ा। एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी एंड देवर इस्टेब्लिश्ड, दे इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। ये ब्राह्मण और मंदिरों के पुजारी, ये दो ग्रुप समाज में एक डोमिनेंट ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिश हुआ इन 700 से 1750 के दशक, मतलब इस 1000 ईयर्स में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। नॉलेज ऑफ संस्कृत बाय ब्राह्मणास गेव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जिसको हम देवभाषा कहते हैं, संस्कृत। आपको पता ही है कि जितने पुराने टेक्स्ट लिखे गए वो सारे संस्कृत में थे, और संस्कृत का ज्ञान किसको था, ब्राह्मण को था। ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि उनका सोसाइटी में, समाज में रेस्पेक्ट का बहुत बड़ा कारण बना, मतलब इनका रेस्पेक्ट और बढ़ गया, मतलब इन्हें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना शुरू हुआ संस्कृत के नॉलेज की वजह से। और दूसरी चीज़,
इन ब्राह्मण लोगों को सपोर्ट किसने किया? रूलर्स ने, राजाओं ने, शासकों ने। संस्कृत का ज्ञान और ऊपर से राजाओं का सपोर्ट, तो इसकी वजह से इनका समाज में रेस्पेक्ट और डोमिनेंस बढ़ता चला गया। अब हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। सीधा सा मतलब है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। ये इंडिविजुअल विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन समाज का जब एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा ग्रुप एक ही विचारधारा रखता है, तो कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल पुजारी जी और ब्राह्मण, जो मतलब संस्कृत के ज्ञाता थे, जो ओल्ड टेक्स्ट में लिखा गया था कि कैसे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, वो एक माध्यम थे जिसके माध्यम से वहां पहुंचना था। लेकिन तमाम तरह के ऐसी नई विचारधाराएं भी आईं जिसमें बिना ब्राह्मण और बिना पुजारी, मतलब मंदिर का पुजारी और पंडित, ये दोनों के बिना भी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजा गया। लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराएं, मतलब आइडिया ऑफ भक्ति, अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप हुई। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में, कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आइडिया ऑफ भक्ति का मार्ग अलग अलग लोगों ने कैसे बताया, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, जिसमें बिना ब्राह्मण और बिना मंदिर के पुजारी के भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। इसी दौरान 7वीं शताब्दी में ही नया धर्म भी आ गया भारत में, और कैसे आया उसके बारे में देखते हैं। नया धर्म कौन सा आया आपको पता ही है, 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म आया। कैसे आया? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान। मर्चेंट जो व्यापारी थे और जो माइग्रेंट थे, मतलब अरब देशों से जो भारत आए, उनके साथ में पवित्र कुरान, मतलब पवित्र कुरान, मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है, वो भी भारत पहुंचा। कब की बात है ये? 7वीं सदी में, 7th century में। और मुस्लिम रिलीजन आपको पता है कि कुरान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जैसे हिंदू धर्म में गीता, जैसे होली टेक्स्ट बुक हिंदू में है गीता, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में है कुरान। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज दियर होली बुक, मतलब पवित्र ग्रंथ, जिसमें कुरान में क्या कहा गया कि एक ही गॉड है, देयर इज वन गॉड, मतलब दुनिया में एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर है जिसका नाम है अल्लाह। और दूसरी खास बात, अल्लाह गिव लव, जो अल्लाह है वो सबको प्यार करता है, मर्सी सब पर दया करता है, बाउंटी एम्ब्रेस, जो अपनी ईश्वरी कृपा है सब पे देता है, टू एवरी वन हु बिलीव इन हिम, मतलब जो अल्लाह के ऊपर विश्वास करता है, अल्लाह की कृपा उन सब के ऊपर बरसती है। और दूसरी चीज, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। खास बात यह कि अल्लाह इसमें सोशल बैकग्राउंड नहीं देखते,
कि ये ऊंच है तो ये नीच है, मतलब उसके आधार पे उनकी ओर से कृपा आएगी, ऊंच है तो ज़्यादा कृपा आएगी, नीच है तो ज़्यादा कृपा आएगी। मतलब अल्लाह को मानने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं, मैं अनटचेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैनी रूलर्स देवर पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स का मतलब होता है संरक्षक। जैसे हिंदू धर्म के संरक्षक थे बहुत सारे राजा और उन्होंने मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के भी संरक्षक थे बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो मुस्लिम हुए और उन्होंने भी अपने हिसाब से मस्जिद बनवाई, बड़ी बड़े पैलेसेस बनवाए, बड़े बड़े बगीचे बनवाए, बाग जी शालीमार बाग, निषाद बाग, इस तरह का नाम सुन गया, मस्जिद बनवाई, मकबरे बनाए गए जहाँ पे आप लोग घूमने के लिए अक्सर कभी जाया करते हैं, ताजमहल से लेकर के हुमायूं के मकबरे पर या फतेहपुर सीकरी या आगरा, ऐसे आप घूमने के लिए जाया करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का ज्ञाता, जो हिंदू धर्म का ज्ञाता है, जो हिंदू धर्म की जो आइडियोलॉजी है, संस्कृत किसको आती थी, ब्राह्मण को आती थी, और हिंदू धर्म का ज्ञाता कौन हुआ, वही पंडित हुआ, वही ब्राह्मण हुआ, वही पुजारी हुआ। उसी तरह से मुस्लिम धर्म जो धर्मशास्त्री हुआ या ज्यूरिस्ट, मतलब जो मुस्लिम धर्म के मानने वाला जो कानून होता है, उनको क्या कहा गया, उलमा। उलमा मतलब द उलमा लर्नेड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट, मतलब उलमा जो है ये एक तरह से धर्मशास्त्री थे और या हैं, धर्मशास्त्री हैं और ज्यूरिस्ट भी हैं, मतलब उसके कानून के एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ अलग होता है, हिंदू लॉ अलग है। आपको पता होना चाहिए हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है, जो हिंदू धर्म को मानने के लिए आपको उस कानून को मानना पड़ता है, और अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको मुस्लिम लॉ के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके ऊपर अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म लागू होता है, मुस्लिम कानून लागू होता है, और अगर हिंदू हैं तो हिंदू कानून लागू होता है, हिंदू लॉज। बड़ी मोटी सी बुक है पढ़ने के लिए, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज अलग अलग मिल जाएगा। चलिए खैर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आगे जब कभी पढ़ेंगे आप लॉ वगैरह करेंगे तो आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। अब मुस्लिम धर्म में भी दो विचारधाराएँ पैदा हुई, सिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली, जो सिया धर्म के लोग हैं, ये एक समुदाय अलग बट गया मुस्लिम धर्म में, जिन्हें सिया मुस्लिम कहा गया। ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके सन इन लॉ अली को मानते हैं, तो इन्होंने अपना अलग कानून बना लिया, इन्होंने अपना अलग धार्मिक कानून बना लिया। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी थियोलॉजी, इनका ज्यूरिस्ट सब कुछ अलग हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्रुप, सुन्नी मुस्लिम्स, सुन्नी समुदाय। मुस्लिम में दो ग्रुप, सिया समुदाय और दूसरा सुन्नी समुदाय। सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज, मतलब जो सुन्नी संप्रदाय है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानता है, और मोहम्मद साहब के बाद जो लीडर थे उनके आने वाले लीडर वो खलीफा थे, इसलिए खलीफा की पावर को उन्होंने माना। और उसी तरह से
हर खलीफा के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनको उन्होंने मानना शुरू कर दिया। ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफाज, मतलब उनके बाद जितने भी खलीफा हुए वो लोग उनको मानते हैं। डिफरेंसेस इन स्कूल्स ऑफ लॉज, मतलब ढेर सारे सुन्नी समुदाय में भी, मतलब स्कूल्स ऑफ लॉज जो कानून है वो अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, विचारधारा बिल्कुल अलग अलग तरह की दिखेगी आपको। आज मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिली है, जिसमें हनफी और सफ़ी, ये भारत में दो आइडियोलॉजी है जिसको लोग मानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। तो हनफी चार पांच ये विचारधारा है जो कि हम हमारे इंडिया में हनफी और सफ़ीज ये दो विचारधारा मानी जाती है। हनफी विचारधारा के जो लोग हैं वो साउथ और सेंट्रल एशिया में लोग जो रहते हैं, और सफ़ीज जो विचारधारा है ये ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग रहते हैं वो उस विचारधारा को मानते हैं। एंड द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र, और मिस्टिक ट्रेडिशन मतलब रहस्यवादी परंपरा। रहस्यवादी मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, रहस्यवादी परंपरा मतलब ईश्वर को जानना ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब अल्लाह को समझना, अल्लाह को जानना, सुप्रीम पावर को जानना, ईश्वरत्व को समझना, उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इतना आसान नहीं है। हजारों लाखों लोग उस रास्ते की खोज में खोजते रहे, लोग नई नई विचारधाराएं जन्म लेती रहे और उनको आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा इनसाइक्लोपीडिया से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, मुस्लिम धर्म में भी जो अरब देशों में है उनकी जो थियोलॉजी है और मिस्टिक ट्रेडिशन है वो अलग है। इंडोनेशिया वगैरह में जाएंगे तो वहाँ अलग है, अफ्रीका में जाएंगे तो अलग है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से हिंदू भी भारत ही नहीं दुनिया के ढेर सारे देशों में रहते हैं, उनकी भी धर्म के प्रति जो विचारधारा है, जो रहस्यवादी जो परंपरा है ईश्वर तक पहुंचने की, पूजा पाठ करने की, ईश्वर को समझने की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो अलग अलग है। आशा है कि आपको आज के टॉपिक से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया फिर भी तीन बार देखिए, वीडियो ऑलरेडी आपके लिंक में पड़ा हुआ है। ऐसी वीडियो मैं रोज़ आपको लेके आता रहूँगा, आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और ये पॉसिबल तब है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा देंगे, प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।